इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से। सोनीपत में विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उनके बेटे को भी साथ ले गई है ईडी। यह मामला माइनिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सुरेंद्र पवार के खिलाफ कुछ समय पहले सर्च ऑपरेशन चला था। सुरेंद्र का कनेक्शन यमुनानगर के दिलबाग सिंह से जुड़ा हुआ था। सुरेंद्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अहम सबूत मिले थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सोनीपत से, जहां पर कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि चाहे वो सुरेंद्र पवार हों या फिर धर्म सिंह छोकर हों या फिर राव दान सिंह हों, सभी को जो है ईडी ने अपने निशाने पर रखा है और उसके बाद सभी के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से। सोनीपत में विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उनके बेटे को भी साथ ले गई है ईडी। यह मामला माइनिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सुरेंद्र पवार के खिलाफ कुछ समय पहले सर्च ऑपरेशन चला था। सुरेंद्र का कनेक्शन यमुनानगर के दिलबाग सिंह से जुड़ा हुआ था। सुरेंद्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अहम सबूत मिले थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सोनीपत से, जहां पर कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि चाहे वो सुरेंद्र पवार हों या फिर धर्म सिंह छोकर हों या फिर राव दान सिंह हों, सभी को जो है ईडी ने अपने निशाने पर रखा है और उसके बाद सभी के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं।